एल्जेब्रिक सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6 एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब दोनों ओर वर्ग करेंगे, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। तो चलिए हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ये है 6, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग तो ऐसे ना होता वर्ग, ठीक है। यहाँ भी ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है ये किस फॉर्म पर आया, तो ये इसका फॉर्म है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है तो इसी फॉर्म में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, ए एक्स ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2 और यहाँ ए बी है तो ए एक्स बी वाई 2 ए एक्स बी वाई, ठीक है। अब प्लस बी वाई तो बी वाई होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये बी वाई होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू 6, तो ये होगा 36। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स बी वाई, ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए और इसको लेट कर लिए हम 1, ठीक है। अब इस सेकेंड को, है ना, सेकेंड को जो यहाँ पर दिया हुआ है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बी एक्स यहाँ पर है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर भी वर्ग कर दिए, ठीक है, ये इसका वर्ग हो गया। तो ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो इस पर है बेस्ड, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्म पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये b के प्लेस पर है ना, यहाँ सॉरी a के प्लेस पर है bx, तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई अब प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जिस तरह से कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व किए थे, तो ये होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2ab एक्स वाई अब प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन सेकेंड हम लेट कर लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, इसी दोनों इक्वेशन को हम अब सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट सॉरी इक्वेशन सेकेंड को हम यहाँ पर लिखते हैं इसके पैरेलल में, तो ये है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो माइनस है ना यहाँ पर, माइनस 2ab एक्स वाई माइनस 2ab एक्स वाई अब प्लस ये क्या है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है, तो 4, यही ना था इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे कि इस दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये प्लस 2ax by है और यहाँ पर माइनस 2ab xy, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पर क्या बचा, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे अब प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अब प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये 36 और 4 कितना 40। चलिए इसको हम सेपरेट कर देते हैं थोड़ा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है प्लस। अब इस दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 40, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ भी है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स दोनों ये क्या है सेम है, तो हम फिर यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने से क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इसका कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर कितना है तो 40। अब देखते हैं हम कि यहाँ हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ है हमको वो कितना दिया हुआ है, तो 4, तो इसके प्लेस पर हम 4 वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं है ना, 40 अब बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो इसका वैल्यू कितना है तो 4, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 4, तो इस तरह से 10 आया है ना, इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वह कितना आया 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।